है, ठीक है, हेयर है, ह्यूमन हेयर है, और यहाँ पे आपको ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, और यहाँ देखो शेडोज, देखो ये एक शेडो, एक उसके पास में शेडो, एक उसके पास में शेडो, एक उसके पास, ये सारी शेडोज बन रही है, यानी एक बाल की इतनी सारी शेडोज बन रही है ना। दूसरा फ्रिंजेस, इसको जो ये है ना, इसको बोलते हैं फ्रिंजेस, इसके बीच में और इसके बीच में दूरी, और बीच में है डार्क फ्रिंजेस, ये डार्क, और सोचो कितनी सारी डार्क, ये डार्क, यानी इसका मतलब लाइट हवा में अपने आप को कैंसिल कर रही है। हमने लाइट को बोला तुम उजाला दो, तो देखो यहाँ पे उजाला, यहाँ पे अंधेरा, फिर उजाला, फिर अंधेरा। और दूसरी बात इंटेंसिटी देखो आप, यहाँ पे ब्राइट सेंटर की सबसे ज्यादा, यानी जहां खिड़की बंद करके रखी है वहां उजाला आ रहा है, सेंटर पे उजाला, फिर देखो इंटेंसिटी हल्के 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 कम होते होते डिमिनिश हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं सिंगल स्लिट इंटर, सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन है, ये डिफ्रेक्शन का पैटर्न है, इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अब लाइट का ये जो बिहेवियर है, ओके, दिस इज द बिहेवियर ऑफ लाइट, कि हमें लाइट की किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, हम ये सोच रहे अपने आप में कि लाइट क्या काम कर रही है, कि वो चूज कर रही है कि कहाँ उजाला देना है, कहाँ नहीं देना, वो भी एक डेफिनेट पैटर्न में, दैट इज अ वेव स्ट्रक्चर, ओके। तो वेव इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, और ये कैरेक्टर जो ये काम कर रहा है वो सिर्फ एक कैरेक्टर वेव ही शो कर सकती है, कब शो करेगी वेव, ये प्योर वेव नेचर लाइट ने कब शो किया, वेन द कंपेरेबल, जब वेवलेंथ हमारी कितनी थी 0.532 है ना, किसकी, ग्रीन की, दैट इज कंपेरेबल विथ विथ द स्लिट, हमने कौन से स्लिट यूज की है, ह्यूमन एयर यूज किया है, तो उसका और कंपेरेबल का मतलब आप सोचो 200 गुना का फर्क है, वो भी हम कंपेरेबल बोल रहे हो, उसको भी कंपेरेबल बोल रहे हो। तो जब आप लाइट की वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ में आप जब इतना स्मॉल वाला जो स्लिट वेव है वो आप इतनी स्मॉल कर देते हो, तब लाइट कौन सा वेव फिनोमेना दिखाती है, प्योर वेव दिखाती है, ओके। सो दिस इज द वेव नेचर ऑफ द लाइट, नहीं